हेलो एंड वेलकम टू द करियर सेपर। आई एम सुभाष पोद्दार। दिस सेट इज ऑन फिजिकल ज्योग्राफी इन विच 15 क्वेश्चंस और यू कैन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आर क्रिएटेड ऑन द प्लैनेट्स एंड सोलर इक्लिप्स फॉर द कमीशन लेवल एग्जाम्स पर्पस। लेट्स सी एंड सॉल्व दिस सेट। क्वेश्चन नंबर 1 देखें। निम्नलिखित में से कौन जोवियन ग्रह की विशेषता नहीं है? ऑप्शन देखें, घनी चट्टानी पिंड, डेंस रॉकी बॉडीज, बड़ा उपग्रह परिवार, लार्ज सैटेलाइट फैमिलीज, उच्च घूर्णन गति और गैसीय एवं विशालकाय पिंड। तो ये देखें, जोवियन प्लेनेट किसको बोलते हैं? जोवियन प्लेनेट बोलते हैं जो बृहस्पति का, जोवियन मीन्स बृहस्पति का, इसे आउटर प्लेनेट्स भी बोला जाता है। तो ये ऑप्शन देखें, घनी चट्टानी पिंड, तो ये जोवियन नहीं बल्कि टेरेस्ट्रियल प्लेनेट्स की विशेषता है। डेंस रॉकी बॉडीज का होना उस पर, टेरेस्ट्रियल मीन्स अर्थ लाइक, जोवियन मीन्स जुपिटर लाइक। तो ये इनर प्लेनेट्स कहलाते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लेनेट्स, जिसमें कि मरकरी, वेनस, अर्थ और मार्स शामिल है। और जोवियन प्लेनेट्स में ये आउटर प्लेनेट्स कहलाता है, इसमें जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून शामिल है। तो खैर, ये विशेषता वाली बात है, विशेषता पर आधारित क्वेश्चन है। जोवियन ग्रह की विशेषता नहीं है। अब देखिए, बी सी डी जो है ये विशेषता है, तो नहीं में आंसर करना है, तो ए हो जाएगा इसका आंसर। ये तीनों विशेषता है, बी सी और डी। इसका आंसर ए हो जाएगा, विशेषता नहीं है ये। दो नंबर देखें, निम्नलिखित में से कौन बुध ग्रह की विशेषता बतलाता है? बुध ग्रह मरकरी। तो देखें, क्रेटर युक्त सतह, तापमान का न्यूनतम, डायर्नल परास, सबसे छोटा वर्ष, सर्वाधिक द्रुतगामी यानी स्विफ्टेस्ट। अब देखें, ये जो ए नंबर ऑप्शन है, क्रेटर युक्त सतह, ये बहुत हद तक चांद के सतह के जैसा ही है। इसका भी सतह क्रेटर सरफेस है इस पर भी। और तापमान का न्यूनतम, डायर्नल परास, डायर्नल किसको बोलते हैं? डायर्नल मीन्स होता है टेकिंग वन डे टू कंप्लीट, मतलब कि पूरा करने में एक दिन का लेना, डायर्नल कहलाता है। तो ये न्यूनतम डायर्नल परास है टेम्परेचर का इस पर, बुध ग्रह पर। और देखें, सबसे छोटा वर्ष भी होता है ये। बी नंबर इसमें गलत ये सेट किया गया है, न्यूनतम के जगह अधिकतम होगा, तापमान का अधिकतम डायर्नल परास होता है इस पर, तो ये गलत हुआ बी। ये सही है क्रेटर युक्त सतह। सी भी सही है, सबसे छोटा वर्ष। और डी देखें, सर्वाधिक द्रुतगामी, ये भी सही है। तो ए सी डी सही हुआ इसमें, तो आंसर ई होगा इसका। ए सी और डी सही है। बी में थोड़ा सुधार कर लें, न्यूनतम के जगह अधिकतम होगा। तीन नंबर देखें, शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह कहा जाता है, दोनों में क्या समानता पाई जाती है? आकार, घनत्व, द्रव्यमान, पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन, क्या होगा? सिमिलरिटी में गिना जाएगा कौन कौन सा चीज। अर्थ का ट्विन माना जाता है इसको, कहा जाता है शुक्र ग्रह को, वेनस को। तो इसमें ऊपर के तीनों ऑप्शन सही है, आकार, घनत्व, द्रव्यमान, इसी में सिमिलरिटी है दोनों में।
और डी नंबर ऑप्शन गलत है, ये ईस्ट टू वेस्ट घूर्णन करता है। तो इस तरह से इसका आंसर भी ई चला जाएगा, ए बी सी सही है इसमें। और डी को सुधार कर लें, थोड़ा पूर्व से पश्चिम होगा। चार नंबर देखें, शुक्र ग्रह की विशेषता निम्नलिखित में से कौन नहीं है? वेनस का जो है खासियत, इसमें चुनना है कि कौन इसमें नहीं है। सबसे धीमी घूर्णन गति, लगभग समान घूर्णन और परिक्रमण काल, रात्रि आकाश में चंद्रमा के बाद दूसरा सबसे चमकीला पिंड, ढका हुआ एवं सबसे गर्म ग्रह। ये चारों का चारों विशेषता ही बतला रहा है इसका, शुक्र ग्रह का। अच्छा, तो ये देखें सभी विशेषता बतला रहे हैं, तो प्रश्न के हिसाब से तो कोई सत्य नहीं हुआ। तो इस तरह से इसका आंसर ई चला जाएगा। और ये जो देखें, रात्रि आकाश में चंद्रमा के बाद दूसरा सबसे चमकीला पिंड वाला ऑप्शन है सी नंबर, और इसे सांझ और भोर का तारा भी बोलते हैं। और डी जो है ढका हुआ एवं सबसे गर्म ग्रह, तो सबसे गर्म ग्रह ये कैसे कहलाता है? इसके वायुमंडल में 97% CO2 का प्रेजेंस है, यानी इसका वायुमंडल एटमॉस्फेयर जो है 97% CO2 कंटेन करता है। ये सब प्रश्न आप याद कर सकते हैं, सारे ऑप्शन जो सब विशेषता है इसको याद कर लीजिएगा, तो ये कंप्लीट ही हो जाएगा पूरा। पांच नंबर देखें, सूर्य ग्रहण में निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना परिलक्षित नहीं होती है? चांद की छाया पृथ्वी पर पड़ती है, ये सही है। पृथ्वी की छाया चांद पर पड़ती है, ये गलत है। चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में होता है, ये भी सही है। चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी एक सीध में होते हैं, ये भी सही है। तो इसमें गलत हो गया कौन? बी गलत हो गया, ए सी डी सही है। इसका आंसर बी हो गया। छः नंबर देखें, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण की अपेक्षा अधिक बार लगता है, इसका अनुपात क्या है? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्या इसका अनुपात 3:2 होता है? आंसर इसका सी हो गया, ये सब याद रख लीजिएगा। 3:2 रेशियो में सोलर और लूनर इक्लिप्स अकर होता है, लगता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। देखिए थोड़ा सा टेक्निकल है टर्म, इसमें थोड़ा अच्छा सब है। चंद्रमा के अम्ब्रा के भीतर छोटे से क्षेत्र में, क्वेश्चन क्या है? पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई देता है चंद्रमा के अम्ब्रा के भीतर छोटे से क्षेत्र में, ये सही है। चंद्रमा के अम्ब्रा के बाहर छोटे से क्षेत्र में, ये गलत है। अपेक्षाकृत बड़े पेनम्ब्रा में, अपेक्षाकृत छोटे पेनम्ब्रा में, तो ये सब भी गलत है। पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई देगा कब? जब चंद्रमा के अम्ब्रा के भीतर छोटे से क्षेत्र में ये इसका शेडो देगा, दिखेगा कंप्लीट। अब देखिए जो सी जो है, अपेक्षाकृत बड़े पेनम्ब्रा में, तो ये पार्शियल सोलर इक्लिप्स
दिखता है इसमें, जहाँ सूर्य का डिस्क चंद्रमा के द्वारा आंशिक रूप से ढकाता है, कवर हो जाता है। अच्छा, ये टर्म जरा जान लीजिए, अम्ब्रा और पेनम्ब्रा क्या होता है। अम्ब्रा बोलते हैं द रीजन फ्रॉम विच ऑल डायरेक्ट सनलाइट इज एक्सक्लूडेड। कहने का मतलब है ये जो चांद और सॉरी सन और अर्थ के बीच में जो चांद आता है, उसी का शेडो दिखता है पृथ्वी पर, तो चांद के द्वारा जो कंप्लीट सोलर लाइट को हटाया गया, तो वो जितना पोर्शन पर पड़ा पृथ्वी पर, तो वही अम्ब्रा है। तो वो छोटा रीजन होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं। और जो शेष बच गया वो पेनम्ब्रा कहलाता है, उसी में आंशिक सोलर इक्लिप्स दिखता है। तो अगर आप ग्राफ खींचेंगे सूर्य चंद्रमा और अर्थ को लेकर के, तो ये बात समझ में आएगी, अम्ब्रा और पेनम्ब्रा। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई देगा चंद्रमा के अम्ब्रा के भीतर छोटे से क्षेत्र में। और ये सी नंबर ऑप्शन तो अभी बताया, अपेक्षाकृत बड़े पेनम्ब्रा में क्या होता है, पार्शियल सोलर इक्लिप्स दिखता है। आठ नंबर देखें, सूर्य ग्रहण की स्थिति में चंद्र घाटी से गुजरता हुआ सूर्य प्रकाश की अंतिम चमक एक तिखी प्रज्वाल उत्पन्न करता है, जिसे इस रूप में जाना जाता है। तो ये देखिए डायमंड रिंग इफेक्ट का ये मोटा मोटी डेफिनेशन हुआ कि डायमंड रिंग कैसे बनता है। तो इसी स्थिति में बनेगा जब जो ये सनलाइट है वो मून वैली से गुजरता हुआ निकलेगा और बहुत ही ब्रिलियंट फ्लेयर प्रोड्यूस करता है, तिखी प्रज्वाल उत्पन्न करता है, और वो लास्ट फ्लैश होता है, अंतिम चमक होता है, तो ये डायमंड रिंग होगा। और देखिए ये जो ये गोल्डन रिंग तो होता ही नहीं है इसमें, ये गलत है ऑप्शन। ये देखे सी नंबर बेली के मन के, बेलीज बेट्स, और डी देखें चमकीली मनकों वाला गले का हार। तो इस दोनों में देखिए कि ये जो है डी ऑप्शन, इसी को सी बोला जाता है, यानी कि बेली के मन के बोला जाता है, चमकीली मनकों वाला गले का हार जो हम लोग देखते हैं उस टाइम में, ग्रहण के टाइम में, उसी को ये नाम दिया गया है बेलीज बेट, यानी डी को ही सी कहते हैं। और ये स्थिति जो है पूर्ण सूर्य ग्रहण से ठीक पहले की स्थिति है, जिसमें सूर्य के एकमात्र दिखने वाले हिस्से वे हैं जो चंद्रमा के अनियमित आकृति में निचली घाटी से होकर चमकते हैं। तो ये ठीक पहले वाली स्थिति है, इस सी डी भी आपको जानना चाहिए। ये जस्ट पहले जब पूर्ण सूर्य ग्रहण लगता है, बिल्कुल डार्क हो जाता है इसका, उसके ठीक पहले का ये सब स्थिति है। और ये डायमंड रिंग तो अंतिम चमक है। तो इसमें आंसर क्या हुआ, डायमंड रिंग इफेक्ट। नौ नंबर देखें, सूर्य का घूर्णन काल रोटेशन टाइम है, कितना दिन है, ये सब याद रख लीजिएगा, 25 दिन होता है। और नियर द सोलर इक्वेटर द सन टेक्स अबाउट 26 डेज टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, ऐसा भी फैक्ट है। दस नंबर देखें, पृथ्वी के बारे में असत्य कथन है,
जल की उपस्थिति के कारण यह नीला ग्रह कहलाता है, ये बात सही है। आकार में छठा है, यही गलत है। आकार में ये पांचवा है और बाकी सीधे के सभी ग्रहों में सबसे घना, ये सही है। जीवन के उच्चतर रूपों की उपस्थिति के लिए अद्वितीय है, ये बात भी सही है। ये यूनिक प्लेनेट है इसी सेंस में। तो इसमें गलत कौन सा हुआ? बी हो गया गलत। इसको सुधार लीजिएगा, ये पांचवा होता है आकार में। 11 नंबर देखें, मंगल ग्रह की निम्नलिखित खासियत है। मंगल ग्रह ये खासे उत्सुकता वाला ग्रह है लोगों के लिए, एस्ट्रोनोमर या फिर आम आदमी के लिए भी। ये देखा ऑप्शन, पोलर आइस कैप्स, ये सही है। झुकाव कोण यानी एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, और दिन की लंबाई यानी लेंथ ऑफ द डे, लगभग पृथ्वी के समान, ये भी सही है। जीवन की संभावना एवं मानव द्वारा बसाहट की तलाश, ये भी सही है, ये जारी है तलाश। टेलीस्कोप से दिखने पर यह एक लालिमा युक्त गेंद, रेडिश बॉल के जैसा दिखता है, ये भी सही है, इसलिए इसको लाल ग्रह बोलते हैं। तो सारे के सारे ऑप्शन सही है इसमें। और पोलर आइस कैप का हम लोग ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं यहाँ से, इसलिए इस ग्रह को लेकर के ज़्यादा कौतूहल रहता है अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के मन में और ऐसे भी आम आदमी के मन में भी। तो इसका आंसर ई चला जाएगा, ऑल करेक्ट। देखिए, ऑब्जर्वेशन में पहुंच के कारण मंगल ग्रह में रुचि है लोगों की, अन्य ग्रहों की तुलना में मार्स में अधिक रुचि लेते हैं। अंतरिक्ष यात्री और साधारण मनुष्य भी इसमें रुचि लेते हैं। और देखिए, द पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ ऑन मार्स एंड इट्स हैबिटेबिलिटी बाय ह्यूमंस आर बीइंग एक्सटेंसिवली प्रॉब्ड, यानी उसका बहुत ही विस्तारित रूप में उसको छानबीन किया जा रहा है कि यहाँ पर लाइफ का पॉसिबिलिटी है या नहीं और मानव बसाहट हो पाएगा या नहीं। और मंगल ग्रह का दो चांद है, फोबोस और देमोस, ये सब इसका फैक्ट है। तो आंसर इसका ई होगा, ऑल आर करेक्ट। 12 देखें, सौरमंडल में सभी उपग्रहों में सबसे बड़ा और सबसे भारी उपग्रह है। सौरमंडल में सभी उपग्रहों में, ये देखो ऑप्शन, टाइटन, गैनीमेड, यूरोपा, एटलस। ये गैनीमेड होगा इसका आंसर, ये बृहस्पति का ग्रह है। और जुपिटर के अन्य बड़े आकार के ग्रह हैं, उपग्रह हैं, कैलिस्टो और लो, यूरोपा, ये सब। तो ये टाइटन तो शनि का सबसे बड़ा ग्रह है और ये फिर यूरोपा भी इसी का है, एटलस भी इसी का है। तो गैनीमेड इसका आंसर होगा, सबसे बड़ा और सबसे भारी उपग्रह है सोलर सिस्टम में, जितने भी उपग्रह हैं उसमें से। तेरह नंबर देखे, बृहस्पति ग्रह की विशेषता निम्नलिखित में से कौन है? स्वर्ग लोक का देवता, इसको द लॉर्ड ऑफ द हेवेंस बोलते हैं, ये सही है। इसका द्रव्यमान शेष ग्रहों, उपग्रहों और क्षुद्र ग्रहों के सम्मिलित द्रव्यमान से 2.5 गुना बड़ा है, ये भी सही है। सबसे तेज घूर्णन गति, फास्टेस्ट रोटेशनल वेलोसिटी, ये भी सही है। और इसका उपग्रह तंत्र एक मिनी सौर मंडल के सदृश है, ये भी सही है। तो इसका आंसर फिर ई चला जाएगा। ये तो आप जानते हैं कि बृहस्पति जो है सबसे बड़ा ग्रह है और इसका घूर्णन गति सबसे तेज है, 10 घंटे से थोड़े कम समय में ही 1 रोटेशन पूरा कर लेता है।
और ये जो इसका सैटेलाइट सिस्टम है इसमें 16 चांद है, जिसमें यूरोपा, लो, कैलिस्टो, गैनीमेड अपने बड़े आकार के कारण प्रसिद्ध हैं। अन्य महत्वपूर्ण उपग्रह हैं मेटिस और थेबे। तो ये इसका आंसर चला जाएगा ई। ऑल आर करेक्ट। 14 नंबर देखें, शनि ग्रह के संदर्भ में असत्य कथन है। ऑप्शन देखें, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह, 6 छल्लों के समुच्चय से घिरा हुआ है, ये गलत है। ए नंबर सही है, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और ये 7 छल्ला होगा इसमें, सेट ऑफ 7 रिंग्स से सराउंडेड है ये। तो बी गलत हुआ इसमें, असत्य कथन हुआ। और देखें सी नंबर, इसके छल्ले बीजभूत धूल और हिम कणों से बने हुए हैं, ये सही है। प्रिमोर्डियल डस्ट और आइस पार्टिकल से बना हुआ है इसका छल्ला। टाइटन इसका सबसे बड़ा उपग्रह है, ये बात सही है। तो ये बी नंबर गलत हुआ, असत्य हुआ, 7 छल्ला होगा इसका आंसर। शनि ग्रह को द एलिगेंट प्लेनेट भी कहा जाता है। अब देखें 15 नंबर, यूरेनस और नेपच्यून, ऑप्शन देखें, जोवियन ट्विंस कहलाते हैं, ये सही है। जोवियन ट्विंस इसको बोला जाता है, आकार में एक समान है, ये भी सही है। इसके इनके वायुमंडलों में मिथेन की उपस्थिति है, ये भी सही है। नेपच्यून में कुछ हद तक कम तापमान रहता है, ये भी सही है। तो देखें ए और बी जो है इसके एक्सप्लेनेशन में अगर जाते हैं तो ये जोवियन ट्विंस तो है ही, क्योंकि ये जोवियन ग्रह है अर्थात बाह्य ग्रह में गिने जाते हैं ये, और सबसे सटीक जुड़वा है, एक समान आकृति वाले हैं। अगर अगर सौरमंडल में कोई जुड़वा ग्रह को हम लेंगे तो सबसे सटीक यही जुड़वा ग्रह मिलेगा हमको सौरमंडल में। तो ये जोवियन ट्विंस कहलाते हैं और ये एक समान आकृति के हैं। और देखें ये सी नंबर, इसके वायुमंडलों में मीथेन की उपस्थिति है, तो ये रंग में पीत हरित नीला दिखते हैं, यानी कि पेल ग्रीनिश ब्लू। अतः मीथेन की उपस्थिति इनके एटमॉस्फेयर्स में है। और देखें नेपच्यून में कुछ हद तक तापमान कम रहता है, इसका कारण क्या है? हालांकि ये स्ट्रक्चर और कंपोजिशन में समानता रखते हैं, लेकिन नेपच्यून की जो है ऑर्बिटल डिस्टेंस वो यूरेनस से अधिक होने के कारण लोअर टेम्परेचर यहाँ पे एक्सपीरियंस किया जाता है। तो इसमें भी सारे ऑप्शन सही हैं और आंसर इसका ही चला जाएगा। नाउ द मोमेंट हैज कम टू से अड्यू कंक्लूडिंग दिस सेट। आई फील वेरी डिलाइटेड। आई एक्सपेक्ट योर वेलनेस। टिल देन थैंक्स।